8 जुलाई यानी कि आज की वो तारीख जब पूरे देश के बच्चों की, पूरे देश के पेरेंट्स की, इवन पूरे देश की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर टिक गई थी। बहुत दिनों से ये इंतजार हो रहा था कि 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग होगी और नीट के मामले पर अहम फैसला आएगा। सुबह 10:30 बजे से ये जो हियरिंग है वो चल रही है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई और सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली ये कह दिया है कि 10 तारीख तक याचिकाकर्ताओं के पास सबमिशन का टाइम दिया गया है और 11 तारीख को यानी कि जो आने वाला गुरुवार है उस दिन इस पर दोबारा से सुनवाई होगी, आगे की कार्रवाई होगी। वैसे तो बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आई हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं एनटीए से और बहुत सारे सवाल पूछे हैं केंद्र सरकार से। आई थिंक सबने इन सारी चीज़ों के बारे में जान लिया होगा, समझ लिया होगा, लेकिन जो अहम सवाल सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से पूछे हैं, केंद्र सरकार से पूछे हैं, उनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। सो हम इस वीडियो में उन सवालों की एक लिस्ट लेकर आ गए हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आई थिंक उसके बारे में हर स्टूडेंट को, हर पेरेंट को जानकारी होनी ही चाहिए। तो आपने ये जान लिया कि जो अगली तारीख है सुनवाई की वो कौन सी है। अब चलिए क्वेश्चंस पर बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पेशली एनटीए और केंद्र सरकार से पूछे हैं। सो जो सबसे अहम सवाल है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है वो है क्वेश्चन पेपर लॉकर में कब भेजे गए थे। जो दूसरा सवाल है वो था लॉकर से पेपर कब निकाले गए थे और परीक्षा का समय क्या था। तीसरा जो सवाल है वो है कितने केंद्र थे और कितने स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था। चौथा सवाल है विदेश में पेपर कब और कैसे भेजे गए। पांचवा सवाल है वो दो पेपर बुकलेट शहरों में कब भेजे गए थे। छठा सवाल है क्या वो हर शहर में दो बैंक में रखे गए थे। ये क्वेश्चन पेपर्स की बात हो रही है, बुकलेट की बात हो रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा है कि पेपर एक व्यक्ति तैयार करता है या फिर नहीं। ये बहुत बड़ा सवाल है और एक बहुत अहम बात है जो मुझे लगता है कि हर स्टूडेंट को पता होनी ही चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ये आज पूछा है कि क्या जो क्वेश्चन पेपर है वो एक व्यक्ति तैयार करता है या फिर नहीं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि ये जो पेपर है वो किसकी कस्टडी में थे। एनटीए ने शहरों में बने बैंक्स में पेपर कब भेजे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था और इन्हें ट्रांसपोर्ट कैसे किया गया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने ये भी पूछा कि पेपर प्रिंट होने के बाद प्रिंटिंग प्रेस उसे एनटीए के पास कैसे भेजता है। यानी कि सारे चीज़ें जानने के लिए, सारा रूट जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये अहम सवाल पूछे हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए से ये भी पूछा है कि जो क्वेश्चन पेपर्स हैं वो प्रिंटिंग प्रेस से एनटीए तक कैसे पहुंचते हैं और उसमें कितना समय लगता है। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट ने आज पूछा है, आज की सुनवाई में एनटीए से और केंद्र सरकार से पूछा है। साथ ही एक बात और नोटिस करने वाली है कि ये जो नीट की पूरी हियरिंग हो रही थी इस दौरान जो सुप्रीम कोर्ट है उनके चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि एक बात तो तय है कि जो नीट का पेपर है वो लीक हुआ था, लेकिन सवाल ये है कि ये जो पेपर लीक का मामला है वो किस हद तक फैला हुआ है, क्या बहुत सारे सेंटर्स पर इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं या फिर सिर्फ एक या दो सेंटर्स पर ही इस तरह की चीज़ें सामने आई हैं। क्योंकि अगर एक या दो से ज़्यादा सेंटर्स पर पेपर लीक हुआ है तो एग्ज़ाम को दोबारा कंडक्ट कराया जाना चाहिए और दोबारा कंडक्ट कराया जाएगा। एक और बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ कर दिया, उन्होंने यहाँ पर कहा है कि अगर एनटीए और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी तरह का कोई एक्सरसाइज कराना चाहती है, यानी कि कुछ और अभी जांच में बाकी है, कुछ और चीज़ें वो कर रही है, तो ये जो नीट की काउंसलिंग होने वाली है ना, जो जुलाई में ही शुरू होने वाली है, उस पर फाइनल फैसला लेना होगा केंद्र सरकार को और एनटीए को। यानी कि जो नीट की काउंसलिंग है अभी इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ना तो रोक लगाई है पिछली बार की तरह और ना ही इस पर कुछ आगे बोला है। ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार और एनटीए को सौंपी गई है कि वो बताए कि आगे नीट काउंसलिंग के मामले में क्या करना है। लेकिन याद रखना है 11 तारीख को दोबारा इस पर सुनवाई होगी और जो कुछ होगा वो 11 तारीख को हम आप तक अपने वीडियो के जरिए पहुंचा देंगे और साथ ही हम आपको इससे रिलेटेड जो भी जानकारी है, पल पल की जो भी खबर है, वो तो आप तक पहुंचाते ही रहेंगे।
सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ये इन्फॉर्मेटिव लगा, इससे आपकी नॉलेज में इन्हेंसमेंट हुआ, तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही ऐसे और अपडेट्स के लिए आज ही सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल NBT Tech।